ये वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक बुक ट्रायल ऑफ द महाराजा द्वारा स्पॉन्सर्ड है। 1775 में बंगाल के दीवान महाराजा नंद कुमार ने अंग्रेजों के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था, जिसके पश्चात इन दोनों के बीच 8 दिन लंबा कोर्टरूम ट्रायल चला था। इस पचीदे केस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट तक को हिला कर रख दिया था। ये बुक इसी चिलिंग कोर्टरूम ट्रायल पे निर्धारित है। ये किताब दिलचस्प नॉवलिस्ट जबलीना मजुमदार द्वारा लिखी गई है। फेमस लिटरेरी एजेंसी द बुक बेकर्स द्वारा प्रकाशित की गई है और जाने माने पब्लिशर सृष्टि पब्लिशर्स द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ये बुक बेहद एंटरटेनिंग है और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस बुक को खरीदने का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। सितंबर 1803 असे के युद्ध में दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय अंग्रेजों के जाने माने जनरल आर्थर वेल्सली के हाथों हार गए। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजी सेना ने तेजी से आगे बढ़ते हुए हर गांव असिरघर कविलघर और लस्सीबारी में भी मराठों से जीत हासिल कर ली और हिसार पानीपत रोहतक रिवाड़ी गुड़गांव गंगा जमुना दोआब बुंदेलखंड गुजरात के कई हिस्से अहमदनगर कटक दक्षिण बेरार और संबलपुर अंग्रेजों के अंदर आ गए। अब उनके आगे सिर्फ एक रुकावट थी, मालवा के वीर मराठा योद्धा यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर बेहद उथल पुथल वातावरण में मालवा के राजा बने थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर तक मराठा संघ पूरी तरीके से टूट गया था और ग्वालियर के मराठा महाराजा दौलतराव सिंधिया पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के राजनीतिक खेल के आगे यशवंतराव होलकर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। 1804 यशवंतराव होलकर और अंग्रेजों के बीच अनबन होनी शुरू हो गई। उन्हें अब अंग्रेजों की राजनीति समझ आने लगी थी। अंग्रेज शुरुआत में बेहतरीन शर्तों पे राजाओं से संधि करते थे, फिर धीरे धीरे उनकी सेना की आउटसोर्सिंग अपने अंदर ले लेते थे। उसके बाद वो राजनीति में खुश कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन की आउटसोर्सिंग अपने अधीन ले लेते थे और राजाओं को सालाना पेंशन देते हुए उन्हें खुश रख नाम का राजा बनाकर रख देते थे। इस वजह से यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों को भारतवर्ष से भगाने की ठान ली। मगर अंग्रेजों को हराना आसान नहीं था। गन टेक्नोलॉजी और आर्टिलरी में उनका कोई तोड़ नहीं था। वो 1792 से 1804 के बीच भारत में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। उनकी सेना को अजय माना जा रहा था। इस कारण यशवंतराव होलकर ने तुरंत सारी दुश्मनी भूल दौलतराव सिंधिया बाजीराव द्वितीय और भारतवर्ष के अन्य राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश भेजना शुरू कर दिया। मगर ऐसे गांव की हार के बाद अब सबको अंग्रेजों से भय लगना शुरू हो गया था। यशवंतराव होलकर को कोई मदद नहीं मिली और उधर अंग्रेजों के आर्थर वेल्सली ने 1804 में यशवंतराव होलकर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। असे के युद्ध के भांति आर्थर वेल्सली ने यशवंतराव होलकर के खिलाफ तीन तरफी आक्रमण की योजना बनाते हुए जनरल लेक को उत्तर से इंदौर की तरफ बढ़ने को कहा। मुरे और कर्नल मैनसन को गुजरात से मालवा क्षेत्र में घुसने का फरमान जारी किया और खुद उन्होंने दक्कन से मालवा घुसने की योजना बनाई। मगर यशवंतराव होलकर को
इस योजना की भनक लग गई और उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की कम्युनिकेशन लाइन तोड़ने की योजना बनाते हुए दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम के सभी रास्तों में अपने घुड़सवार गुरिल्ला रणनीति के तहत तैनात कर दिए। इनका एक ही काम था, अंग्रेजों के मैसेंजर्स को एक दूसरे के पास जाने से रोकना। यशवंतराव होलकर की ये टैक्टिक उनके आने वाले युद्ध के लिए बहुत सफल होने वाली थी। युद्ध की घोषणा होते ही सबसे पहले यशवंतराव होलकर ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों की पोस्ट पे अचानक से हमला कर लेफ्टिनेंट फॉसेट को पूरी तरीके से हरा दिया। ये हमला यशवंतराव होलकर के जनरल आमिर खान ने इतनी चुपचाप और लाइटिंग स्पीड से किया कि अंग्रेजों को अपनी तोपों में गोले डालने का भी समय नहीं मिला। बुंदेलखंड से यशवंतराव होलकर लाइटिंग स्पीड से राजपुताना जयपुर जा पहुंचे, जहां के राजा जगत सिंह ने अंग्रेजों से संधि समझौता कर रखा था। जयपुर में अंग्रेजी सेना की संख्या बहुत कम थी और मौके का फायदा उठाते हुए यशवंतराव होलकर आसानी से जयपुर में घुस गए और उन्होंने वहां पर लूट मार मचा दी। ये खबर सुनते ही अंग्रेजों के जनरल लेक ने तुरंत आगरा से अपनी बटालियन को जयपुर के लिए रवाना कर दिया। मगर इससे पहले अंग्रेज वहां पहुंचते, यशवंतराव होलकर वहां से आगे बढ़ चंबल नदी के पास जा पहुंचे। उधर जयपुर को बचाने के पश्चात जनरल लेक ने अपनी एक टुकड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल पैट्रिक डॉन के अंदर रामपुरा भेज दिया और वहां अंग्रेजों ने एक बार फिर होलकरों को पीछे खदेड़ दिया। अब योजना के मुताबिक यहां पर कर्नल मैनसन को जनरल लेक से मिलना था और इकट्ठे इन्हें यशवंतराव होलकर की तरफ पढ़ना था। मगर यशवंतराव होलकर ने सारी कम्युनिकेशन लाइन अपने कंट्रोल में कर रखी थी। इस वजह से कर्नल मैनसन की रामपुरा के पास पहुंचने की खबर जनरल लेक के पास नहीं पहुंची और वो वापस आगरा लौट गए। कुछ दिनों बाद कर्नल मैनसन रामपुरा पहुंचे और लेफ्टिनेंट डॉन की सेना से मिल गए। यहीं पर दौलतराव सिंधिया के जनरल बापूजी सिंधिया और उनकी सेना भी अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गई। कर्नल मैनसन के पास अब एक विशाल सेना इकट्ठी हो गई थी। उनके पास अब आर्टिलरी, गनमैन और कैवलरी तीनों का बल था और यशवंतराव होलकर की चंबल के पास होने की जानकारी भी। कर्नल मैनसन को आर्थर वेल्सली की तरह असे युद्ध के भांति अपने बलबूते पे जीतने का लालच आ गया और वो बिना जनरल लेक को खबर पहुंचाए यशवंतराव होलकर के पीछे चल पड़े। 2 जुलाई 1804 कर्नल मैनसन मुकंदरा पास के रास्ते हिंगलजगढ़ पहुंच गए और वहां तैनात होलकरों को उन्होंने आसानी से हरा दिया। इस जीत के बाद कर्नल मैनसन का आत्मविश्वास और बढ़ गया और वो यशवंतराव होलकर को ऑफ गार्ड पोजीशन में पकड़ने के इरादे से और तेजी से आगे बढ़ने लगे। मगर रामपुरा और हिंगलजगढ़ में हारना और पीछे भागना तो सिर्फ यशवंतराव होलकर की एक चाल थी। मंगोलों की तरह टैक्टिकल रिट्रीट करने की वजह से यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया था कि वो उनसे डरे हुए हैं, उनसे हार रहे हैं और उनके भय से पीछे भाग रहे हैं। मगर वास्तव में यशवंतराव होलकर जानबूझ के समय प्राप्ति के लिए पीछे हट रहे थे। वो बारिश का इंतजार कर रहे थे। स्थानीय होने के कारण वो जानते थे कि जुलाई के मानसून के महीने में बारिश कभी भी हो सकती है और बारिश में तोपे और मस्केट दोनों युद्ध में लाइबिलिटी बन जाती हैं। उधर पश्चिम से तीसरे ब्रिटिश ऑफिसर मुरे भी दूसरे रास्ते से उज्जैन के पास पहुंच गए, मगर उनकी वहां पहुंचने की खबर भी यशवंतराव होलकर ने मैनसन तक नहीं पहुंचने दी। मगर कर्नल मैनसन को अब किसी की जरूरत नहीं थी। उनकी सेना की संख्या बेहद विशाल थी और उन्हें पूरा विश्वास हो गया था
कि वो अकेले ही यशवंतराव होलकर को हरा देंगे। इस वजह से वो आगे बढ़ते रहे। 4 जुलाई 1804 बारिश होनी शुरू हो गई। यशवंतराव होलकर का पूर्व कथन सच हो गया। भारी बारिश में मैनसन की परेशानी बढ़नी शुरू हो गई। तोपों को बारिश में खींचना मुश्किल था, मगर फिर भी तोपों को खींचते हुए भीगते हुए अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती रही। अंग्रेजों के बाएं में चंबल नदी थी, बाएं में पार्वती नदी और आगे नर्मदा नदी थी, और इन तीनों नदियों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। अंग्रेजों को अब इन तीन नदियों के बीच में फंसने का और होलकरों के आक्रमण का भय लगने लगा, और कर्नल मैनसन ने वापस रिट्रीट करने का विचार बना लिया और अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। भारी आर्टिलरी लाने का कमांड उन्होंने कैप्टन लूकन और बापूजी सिंधिया को सौंप दिया, और खुद हल्की आर्टिलरी इन्फेंट्री और कैवलरी के साथ वो तेजी से वापस आगरा की तरफ चल पड़े। यशवंतराव होलकर की रणनीति काम कर रही थी। उन्हें ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, और कर्नल मैनसन के दूर जाते ही उन्होंने अचानक से कैप्टन लूकन की सेना पर आक्रमण कर दिया और 5,000 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार गिराया। इस हमले में यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों की सारी भारी आर्टिलरी अपने कब्जे में कर ली। बापूजी सिंधिया को छोड़ दिया गया, जिन्होंने मुकंदरा पास तक पहुंच कर्नल मैनसन को इस हमले की खबर दे दी। ये खबर सुनते ही अंग्रेजी फौज में दहशत फैल गई। कर्नल मैनसन ने एक बार फिर अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। आधी सेना को लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन के अंदर उन्होंने मुकंदरा पास में तैनात कर दिया, और खुद वो बाकी की बटालियन के साथ आगरा की तरफ चल पड़े। मगर बारिश अब और तेज होने लगी थी, और लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन का मनोबल टूट गया, और उन्होंने भी वापस मुड़ तेजी से रिट्रीट करना शुरू कर दिया। 12 जुलाई 1804 कर्नल मैनसन किसी तरीके से कोटा पहुंच गए, मगर वहां के राजा अंग्रेजों के मित्र सालिम सिंह ने अंग्रेजों को यशवंतराव होलकर के भाई से शरण देने से मना कर दिया। 13 जुलाई 1804 कर्नल मैनसन ने फिर अपनी रिट्रीट शुरू कर दी, मगर गमाज घाट में बाढ़ आने की वजह से कर्नल मैनसन को अपनी बाकी की आर्टिलरी भी पीछे छोड़नी पड़ी। 17 जुलाई 1804 मैनसन की सेना मेज नदी के पास पहुंच गई। उस नदी में बाकी नदियों की तरह ही बाढ़ आ चुकी थी। कर्नल मैनसन ने अपनी सेना को जल्द से जल्द नदी पार करने को कहा, मगर तभी अंग्रेजी स्काउट ने मराठों को देखे जाने की खबर कर्नल मैनसन को सुना दी। अंग्रेजों में थकतड़ मच गई, और तभी बारिश में भीगते हुए यशवंतराव होलकर अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों पे टूट पड़े और सैकड़ों अंग्रेजों को मार गिराया। आखिर में मैनसन को एक बार फिर रिट्रीट करना पड़ा, और वो यूटर्न लेते हुए अपनी सबसे नजदीकी पोस्ट रामपुरा की तरफ अपनी बची हुई सेना के साथ भागने लगे। 30 जुलाई 1804 मैनसन अपनी पोस्ट रामपुरा पहुंच गए। वहां पर पहले से ही उनकी कुछ रीइंफोर्समेंट तैनात थी। 20 अगस्त 1804 यशवंतराव होलकर रामपुरा की सीमा पर पहुंच गए। कर्नल मैनसन को एक बार फिर भागना पड़ा, और वो कुशलगढ़ की तरफ चल पड़े, मगर कुशलगढ़ पहुंचने के लिए एक बार फिर अंग्रेजों को बनास नदी पार करनी थी, जिसमें एक बार फिर बारिश के कारण बाढ़ आ रखी थी। कर्नल मैनसन और उनकी सेना एक बार फिर नदी पार करने में जुटी हुई थी कि इतने में एक बार फिर यशवंतराव होलकर वहां पहुंच गए, और मराठों ने अंग्रेजों में त्राही त्राही मचा दी। मैनसन
और अंग्रेजों के कुछ ही ऑफिसर्स और फौज नदी पार कर पाए, मगर वहां अंग्रेज कुशलगढ़ पहुंचे और यहां यशवंतराव होलकर ने भी बनास नदी पार कर ली और कर्नल मैनसन के पीछे वो कुशलगढ़ की तरफ बढ़ पड़े। ये खबर सुनते ही मैनसन को एक बार फिर अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी और वो और उनकी बची कुची अंग्रेजी सेना आगरा की तरफ दौड़ने लगी। अंग्रेजी सेना अब बुरी तरीके से थक गई थी और तथा कथित अनुशासित अंग्रेजी सेना अपना अनुशासन भूलते हुए इधर उधर भागने लगी। 28 अगस्त 1804 फतेहपुर के पास यशवंतराव होलकर ने अपना आखिरी आक्रमण करते हुए कर्नल मैनसन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। 10,000 अंग्रेजी सेना स्कूच के दौरान मारी गई। यशवंतराव होलकर की जीत हुई। 14 सालों में अंग्रेजों के खिलाफ यह पहली जीत थी। कर्नल मैनसन और आत्मसमर्पण करते सैनिकों को बख्श दिया गया और उन्हें अपनी दास्तान जनरल लेक को सुनाने के लिए छोड़ दिया गया। अंग्रेजों की इनविंसिबिलिटी की मिथ इस जंग के बाद टूट गई थी। यशवंतराव होलकर ने इस लड़ाई में ये दिखा दिया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्टिलरी वाली सेना को भी दिमाग से हराया जा सकता है। इस जीत ने एक बार फिर मराठा सुप्रीमेसी को पूरे भारतवर्ष में उजागर कर दिया था। अक्टूबर 8, 1804 यशवंतराव होलकर ने 75,000 सेना बल के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय उन दिनों अंग्रेजों के संरक्षण में थे और किले को बचाने का जिम्मा अंग्रेजों के कर्नल अस्टरलोनी और बर्न के अंदर था। यशवंतराव होलकर ने इस कूच के दौरान इतनी बहादुरी से जंग लड़ी कि अंग्रेजी खेमे में त्राही त्राही मच गई। आखिर में अंग्रेजों को एक बार फिर ऊंट नीति का इस्तेमाल करना पड़ा और यशवंतराव होलकर के साथ ही भवानी शंकर खत्री को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और जनरल लेक द्वारा मराठों पर घेरा डाल दिया। इस वजह से यशवंतराव होलकर को दिल्ली का ये कूच छोड़ना पड़ा। इस युद्ध के बाद यशवंतराव होलकर ने एक बार फिर बहुत से राजाओं से समर्थक मांगा, मगर भरतपुर के रंजीत सिंह के अलावा किसी ने भी हामी नहीं भरी। 16 नवंबर 1804 यशवंतराव होलकर ने एक बार फिर मेजर फ्रेजर के अंदर अंग्रेजी सेना को हरा दिया और वह भरतपुर के राजा रंजीत सिंह के पास जा पहुंचे। 3 जनवरी 1805 जनरल लेक, कर्नल मैनसन, कर्नल मैरे, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन, कर्नल बर्न, मेजर जनरल जोन्स, जनरल स्मिथ और कर्नल जेटलन ने भरतपुर के किले पर आक्रमण कर दिया, मगर होलकर और रंजीत सिंह की जाट सेना अंग्रेजों को बुरी तरीके से बार बार हराती रही। ये जंग 3 महीनों तक चलती रही और यशवंतराव होलकर की शौर्य गाथा पूरे भारत वर्ष में फैल गई। ब्रिटेन पार्लियामेंट में भी इनका जिक्र होना शुरू हो गया। अंग्रेजों को अब यशवंतराव होलकर को किसी भी तरीके से हराने का फरमान जारी हो गया। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले जाट राजा रंजीत सिंह को डीमोरलाइज करने के लिए लक्कर के टावर्स पर तोपे लगा दी और भरतपुर शहर के अंदर आम नागरिकों पर भारी बमबारी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने राजा रंजीत सिंह के पास अपने दूत भेज शांति प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया और उन्हें इस लड़ाई से दूर रहने की सलाह दी। आखिर में भरतपुर के रंजीत सिंह ने अंग्रेजों का शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यशवंतराव होलकर को भरतपुर छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों को अब यशवंतराव होलकर से डर लगने लगा था। उन्हें हराना नामुमकिन लग रहा था। भारी सेना का घेरा डालते ही वो रिट्रीट कर जाते थे और दुश्मन के रिट्रीट करते ही वो उन पे आक्रामक हो जाते थे। 30 जुलाई 1805 आर्थर वेस्ली के भाई
गवर्नर जनरल मार्क्वेस वेल्सली को अंग्रेजों ने वापस बुला लिया और नए गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो को किसी भी तरीके से यशवंतराव होलकर को शांत करने को कहा गया। 24 दिसंबर 1805 अंग्रेजों ने यशवंतराव होलकर को विजय मान लिया और उन्होंने यशवंतराव होलकर की सारी शर्तें मान ली और उनसे संधि समझौता कर लिया। अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच युद्ध शांत हो गया, मगर यशवंतराव होलकर को किसी भी तरीके से अंग्रेजों को भारतवर्ष से निकालना था। इस वजह से उन्होंने इंदौर में तोपखानों के सैकड़ों कारखाने लगा दिए और भारी मात्रा में उन्होंने अपनी सेना की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। मगर इससे पहले वो कुछ करते, 27 अक्टूबर 1811 में केवल 35 साल की उम्र में यशवंतराव होलकर बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1818, यशवंतराव होलकर के बाद होलकरों ने आखिरकार अंग्रेजों से उनके शर्तों पे संधि कर ली और उनकी सुप्रीमसी को मान्यता दे दी। अंग्रेजों का वर्चस्व और बढ़ गया। मराठा संघ अब नाम की ही एक शक्ति रह गई थी। पूरे भारत वर्ष में सिखों के सम्राट रंजीत सिंह के अलावा अब कोई शक्ति नहीं बची थी और 27 जून 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका ये सपना भी पूरा हो गया। मैं लॉजिकल हिस्टोरियन अब आपको मिलाना चाहता हूं ट्रायल ऑफ द महाराजा बुक की ऑथर टेबलिना मजुमदार से। Well, just as you saw in the Battle of the Holkers and the Battle of the Assai, the British trickery actually came out in many different ways. This is one such story, a story of one man who stood up against one of the all-powerful Britishers of the time, Warren Hastings. This is not a story of the battlefield. This is a story of the game of money behind the Game of Thrones. Secret letters which were sent and secret duels which were fought early in the morning. The famine which ripped through the city and the state at that time. And not just one historic Supreme Court trial, but also two impeachments which followed, which shook the very foundation of the British Empire. Did this man get the justice he was looking for? Was he able to really make the change he was looking for? Well, to know more, read this real story from Untold Story from Indian History, and the details are there in this video. Look forward to having you read the book. This is Deepina. Thank you so much.